तो भैया इस बार का जो सफर था ये था हमारे घर से मुंबई का। और हाँ, कुछ काम से जा रहे थे और कुछ यादें भी ताज़ा करने जा रहे थे। भैया चलते चलते एक बात की टेंशन तो हमें हो रही थी कि भैया यहाँ इतना बढ़िया ठंडे वाला मौसम, मतलब ये कुहासा देख रहे हो, क्या जन्नत है नहीं। और मुंबई जाके लगने वाली थी गर्मी। कुछ 1.5-2 घंटे लगे और पहुँच गए हम पटना एयरपोर्ट। बस फिर चल पड़े थे अंदर इस खौफ में कि सिक्योरिटी चेक इन वाला, आपको तो पता ही है कि भैया सिक्योरिटी चेक इन पे हमें अलग से खौफ रहता है, पर खुशी हुई इस बात की कि इस बार सिक्योरिटी चेक इन जो है वो आसानी से क्लियर हो गया। भैया इस प्रकार हो गया फाइनली सिक्योरिटी चेक भी कंप्लीट। इस बार ज़्यादा हैसल नहीं था क्योंकि हमने सारा सामान जो है पहले ही बैग से निकाल दिया था, वरना बार बार दोबारा निकालना पड़ता है। अंदर घुसे ब्रेकफास्ट करके मामला सेट। अभी जो है 10 बज रहे हैं, 11:30 की फ्लाइट है, तो 1.5 घंटे बाकी हैं, कट जाएगा। तो ये जो अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं ना, समझ गए ना, बस तो हमारी फ्लाइट जो है बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। और ये हम कर लिए बोर्ड, उड़ गए पटना शहर को पीछे छोड़ गए। बस ये जो आप नीचे देख रहे हैं यही है मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारे सामने दो स्ट्रगल थे। पहला, ये कोविड में जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग वाला, वो तो लोग होने नहीं देंगे। अब भैया बाकी था दूसरा बड़ा संघर्ष, और सोच के देखो दूसरा सबसे बड़ा संघर्ष क्या हो सकता है एयरपोर्ट पर उतरने के बाद। सिंपल है, जब आप बहुत दिनों बाद किसी जगह के एयरपोर्ट पर आ रहे हो या फिर स्टेशन पर भी जा रहे हो, तो सबसे बड़ा संघर्ष होता है ओला उबर का पिकअप पॉइंट ढूंढना। क्योंकि ज़िंदगी में 3 चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं, वक्त, हालात और ओला उबर का पिकअप पॉइंट। और ओला उबर के पिकअप पॉइंट तक पहुंचने से पहले हमें पहुंचना था लगेज पिक करने के लिए। और जब हम लगेज काउंटर पर पहुंचे और यहाँ आके हमें याद आया कि भैया लगेज तो है ही नहीं हमारे पास, जो है हैंडबैग है। तो चलो अब एग्जिट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे बाहर में जितनी भी बातें होंगी वो बातें होंगी मास्क के साथ, क्योंकि यहाँ पे मास्क बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जैसे मुंबई पिछली छुट्टी में भी आए थे एक बार, पर तब कुछ आप हमको जानते हैं क्या? नहीं तो आप हाँ बोले। अच्छा अच्छा, वैसे मुंबई तो भैया पिछले छुट्टी में भी आए थे, पर तब यादें ताज़ा कर नहीं पाए थे क्योंकि तब लॉकडाउन का सिस्टम था यहाँ पे, और मैं ITC में क्वारंटीन किया और ITC से ही निकल के घर चला गया था 1-2 दिन बाद। तो इस बार ऐसा कुछ प्लान तो है। वैसे यादें ताज़ा करते करते पहला चीज जो मिला हुआ है ट्रैफिक। इसलिए जब हम मुंबई में थे कॉलेज तक तो कभी भी बाई रोड नहीं जाते थे। ट्रेन 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 धक्का खा लो लेकिन ट्रैफिक में मत फंसो। लेकिन अभी सामान ज़्यादा है और वैसे ट्रेन का भी याद ताज़ा करना है, तो उससे भी निकलेंगे घूमने हम लोग बाद में, एक ब्लॉग बनाएंगे। क्यों ट्रेन का टिकट नहीं मिलता भैया? बोल रहे हैं ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, पता करना पड़ेगा। नहीं भैया, आई थिंक वो कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट होने से ट्रेन का टिकट मिलता है। हाँ तो वो चाहिए ना। हाँ तो वैक्सीनेटेड है ना? हाँ तो क्यों नहीं मिलेगा फिर? तो दो वैक्सीन लिया तो मिलेगा। हाँ लेकिन दो वैक्सीन से लफड़ा ये है भाई कि मेरे पास जो है जॉनसन का वैक्सीन है। एयरपोर्ट वाले तो समझ जाते हैं कि वो सिंगल डोज वैक्सीन है, ट्रेन वाले को समझ में आना चाहिए, खूब सो के समझ में आ जाएगा तो ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। मिल गया तो एक याद ताज़ा कर लेंगे, वो भी भाई ट्रेन में घूमे हुए तो बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया। बीच में एक दो बार मुंबई आए भी थे तो ट्रेन ब्रेन से नहीं घूमे थे भैया, और जा रहे वापस नवी मुंबई भाई बेलापुर वाले साइड, जहाँ हम कॉलेज में घुमा करते थे, रहा करते थे। देखना पड़ेगा क्योंकि डबल डोज लेगा उसको ही दे रहा वैक्सीन। हाँ तो वो वैक्सीन है सिंगल डोज वाला है, वो है ही नहीं उसमें दूसरा डोज, एक ही फुल एंड फाइनल है। रास्ता दिखा रहा है 56 मिनट्स का, पर भैया मुंबई की ट्रैफिक है 56 मिनट का, वो 66 होगा या 76 पता नहीं, देखते हैं पहुंचने के बाद पता चलेगा। अब आ रहा है एक्चुअल वाइब्स, क्योंकि ना ये एरिया जो है पूरा का पूरा जाना पहचाना है बेलापुर वाला। तो अपना एयरपोर्ट के एरिया में तो ज़्यादा आना जाना कभी लगा नहीं रहता था, बेलापुर के एरिया में आना जाना लगा रहता था, जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज भी किए, कॉलेज भी पास था, तो बस यहाँ आ रहा है वाइब सब। तो भैया हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पे, और आपको अभी तक बताया नहीं कि हम किस पर्पज़ से मुंबई आए हैं, मतलब ब्लॉगिंग घूमना तो एक तरफ, एक्चुअली ये मेरा पहला स्पॉन्सर्ड वीडियो होने वाला है, मतलब एक कमर्शियल वीडियो है। मैंने और भी एक दो छोटे मोटे किए थे बट ये प्रॉपर कमर्शियल है, एक शिपिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसके लिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ, और मेरे स्कूल के सीनियर है जिनका ये कंपनी है, और वही वीडियो बनने वाला है। अभी उनसे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने सोचा आपको मिला दे, पर वो अभी कहीं गए हुए हैं आसपास, इज कमिंग सून सो, एंड कल से काम होगा शुरू। फिलहाल आज शाम में जो है हम निकलेंगे कुछ लोगों से मिलने, मोनितोस सर, कैप्टन मोनितोस, उनको आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा, मेरे अंकल रहते हैं यहाँ पे जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम तक रुका था मुंबई में, तो उनसे मिलना है, ये सारी चीज़ें करनी है, और साथ साथ थोड़ा बहुत मुंबई दर्शन भी कराना है आप लोगों को, ये वीडियो ही बनाना है कमर्शियल वाला, और एक वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है संतोष सर के बारे में, और वो वीडियो जो है आप लोग जरूर देखना। पूछो क्यों देखना है,
तो वीडियो इसलिए देखना भैया कि जिंदगी में आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, आपको पता नहीं पर है, और वो मोटिवेशन उनसे मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ही इज समवन टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम एंड जबरदस्त, मतलब अभी वीडियो देखना तभी मजा आएगा। तो ये वाला वीडियो भैया यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा करते हैं आराम, बाद में करते हैं एडिट, बाद में डालते हैं, आपको कराते हैं अगले वीडियो में मुंबई दर्शन, आप खुद भी कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, यादें करते हैं ताज़ा। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, काम बहुत होने वाला है पर वीडियोस आएंगे, अभी तो आएंगे। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो। अगले वीडियो में मिलने तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।